मध्य कोलकाता महेश्वरी सभा महिला एवं युवा संगठन द्वारा गंगड़ उत्सव 2024 का आयोजन धूमधाम से कोलकाता के एक बैंक्वेट में हुआ। इस आयोजन में लगभग 500 से ऊपर महिलाओं ने हिस्सा लिया। आइए देखें विशेष रिपोर्ट हमारा मीडिया के साथ। कपिल जी उनको सभी को बीच में ले आए। रिक्वेस्ट है कि दुपट्टा पहनाकर आप स्वागत करें। मैं कमल जी गटानी से रिक्वेस्ट और भाई मांगीलाल जी मुंद्रा से रिक्वेस्ट है कि माता जी का जोरदार तालियों के साथ हमारे इवेंट स्पॉन्सर अन्नपूर्णा टेक्सटाइल रिक्वेस्ट है कि भैया का दुपट्टा देखकर सम्मानित कर सभी मोमेंटो देखकर सम्मानित और ओम प्रकाश जी जहाँ से रिक्वेस्ट है कि माता जी का प्रसाद हमारे मीडिया पार्टनर स्नेहा क्रिएशन अध्यक्ष रह चुके महेश्वरी महिला संगठन ऑल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करें। ये हमारे बीच उपस्थित है, इसी से आप समझ जाइए कि ये प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में ये यहाँ मौजूद है। हम इनसे निश्चित रूप से इनके विचार और अनुभव सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका अभिनंदन करते हैं। मयूर महारानी मोमेंटो मोमेंटो भाई और अब हम स्नेही राकेश जी बजरंग जी प्रमोद जी हमारे पुष्पा जी विजयश्री जी और पूरी टीम कविता सादानी पूरी टीम यहाँ पर जो भी खड़ी है आज इस मंजर को देखकर वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। मैंने सुना तो बहुत था कि राकेश जी और बजरंग जी मिलकर इस आयाम को बहुत वर्षों से बहुत सुंदर तरीके से महर्षि भवन चार तल्ला पांच तल्ला दोनों जगह मैं आई हुई हूँ, लेकिन आज एजेंसी मार्केट में पहली बार आई हूँ। आप लोगों का उत्साह और इतने सारे ईश्वर गंगोर देखकर मन एकदम पुलकित है। कौन कहता है कि बीकानेर या राजस्थान इस काम के लिए सबसे आगे है। मुझे तो ये लगता है मध्य कलकत्ता महेश्वरी सभा महिला और युवा संगठन राजस्थान की याद सबको यहाँ पर दिला दिया। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बहनों, विशेषकर सिर्फ दो शब्द, एक जन्म मिला है, खुद का निर्माण परिवार का निर्माण समाज का निर्माण होता है और राष्ट्र का निर्माण होता ही है। अब अपने बच्चों के निर्माण के लिए हमें भी 10 भुजा बनना जरूरी है। सिर्फ ईश्वर गौर को 16 दिन पूछ के लिए
16 आयामों को पूर्ण करके खुद को परिपूर्ण करना है और परिवार का निर्माण करना है, जिससे कि समाज और राष्ट्र का निर्माण हो। क्योंकि ये विषय या समय नहीं है कि मैं मेरे से बदमाशी किया है राकेश प्रधान वक्ता बनाकर, लेकिन कभी और हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय महेश, जय भारत। दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, जबरदस्त तालियां बजती रहे। मैं प्रसाद स्वरूप एक भाग के लिए हो जाए कि वो आनंद श्रीधर जी का दुपट्टा पहनाकर मोमेंटो दे देखकर उनका भी मैं टीम मध्य कलकत्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब दो मोमेंटो देखकर स्वागत करें। और गंगोर माता का प्रसाद भी धन्यवाद मनमोहन जी। मैं देव से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे हेमंत जी जो हमारे साथ लेकर अभिनंदन करें भाई रमेश जी राजी और तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। तो जरूर इनसे सुनना चाहूंगा। जय महेश सभा महिला युवा संघ में बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं और नागरिक जो 5 साल नागोडा की है और नई जनरेशन जुड़ी है, बहुत बढ़िया बात है। और वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, क्योंकि तो लुप्त हो रही है अच्छी चीज़ें। आप जो मारवाड़ी बोल बोल रहे हैं तो मारवाड़ी भी लुप्त हो रही है। बहुत बढ़िया चल रहा कि अपन ने गणगौर के बारे में जानकारी मिले और बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। जय महेश। जय महेश। मध्य कलकत्ता मैत्री सभा एवं युवा संगठन और महिला संगठन हमारे कलकत्ता प्रदेश में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मध्य कलकत्ता अंचल अपने आप में वीआईपी है और इनका जो भी प्रोग्राम होता है रियली एकदम वीआईपी प्रोग्राम होता है। अभी पिछले दिनों में इनका होली का जो प्रोग्राम था, शायद कलकत्ता में मैं इतनी जगह गया ऐसा माहौल और ऐसी भीड़ शायद मैंने आज तक नहीं देखी जो मध्य कलकत्ता प्रोग्राम किया। गणगौर का प्रोग्राम है हमारे राजस्थान में, गणगौर का जो 2000 किलोमीटर आकर के वो जो ये रीति रिवाज से मध्य कलकत्ता जो प्रोग्राम करती है, गणगौर माता की जो पूजा कंवारी कन्याएं अपने अच्छे पर पाने के लिए एवं सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत रखती है एवं यह 3 दिन का कार्यक्रम चलता है हमारे यहाँ। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से राजस्थानी वेशभूषा एवं राजस्थानी तौर तरीकों से मध्य कलकत्ता जो ये कार्यक्रम कर रही है काफ़ी सराहनीय है। मैं कलकत्ता प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाजू, मध्य कलकत्ता एवं हमारे साथी संपत जी मानदनी हमारे मंत्री, मैं कलकत्ता प्रदेश की तरफ से मध्य कलकत्ता मैत्री सभा युवा संगठन एवं महिला संगठन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम करते रहे और मध्य कलकत्ता हमारे प्रदेश की नाक है। जय महेश। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, मध्य कलकत्ता यानी हमारे रत्न कलकत्ता प्रादेशिक मैत्री सभा का हृदय मध्य भाग, और हृदय जो जब जो भी प्रोग्राम जैसे हम जो भी काम दिल से करते हैं और वो जैसे सक्सेस होता है, वैसे ही हमारे मध्य कलकत्ता वाले जो भी कार्य करते हैं दिल से करते हैं और इतने सुंदर कार्यक्रम हम राजस्थान से दूर अपने रीति रिवाजों को यहाँ मना रहे हैं। हम होली दीपावली और इस तरह के जो गणगौर के प्रोग्राम हैं, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को जिस प्रकार की अभी वर्तमान में हमारे संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हुए हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, इस तरह के प्रोग्राम मध्य कलकत्ता करती रहें। मध्य कलकत्ता के सभी साथियों को उन्हें बहुत 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 बधाई और अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय महेश। जैसा कि सभी को विदित है कि माहेश्वरी समाज का एक बहुत बड़ा संगठन भारतवर्ष में बना हुआ है, उसी संगठन के माध्यम से बृहत्तर कोलकाता माहेश्वरी सभा कलकत्ता का एक संगठन का भाग है। इस संगठन के 10 भाग में बंटे हुए हैं।
10 रीजन में बंटा हुआ है, उसमें से मध्य कोलकाता एक हमारा बहुत ही अहम रीजन है। इसने हमारे राजस्थान के महेश्वरी समाज की संस्कृति को बनाए रखने में और युवा साथियों को जोड़े रखने में जो भूमिका निभाई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज आप गणगौर के इस उत्सव में देख रहे हैं। गणगौर का उत्सव हमारी बहनें, महिलाएं, बेटियां बहुत ही धूमधाम से मनाती है। होली के पश्चात इस एक उत्सव का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है समाज में, और मध्य कलकत्ता के इस उत्सव को आप देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं बहनें एकत्र होकर एक साथ यहां खड़ी है, जैसा एक लग रहा है कि पूरा हमारा राजस्थान ही यहां समा गया है। जय महेश। मैं मध्य कलकत्ता के सभी साथियों, युवा साथियों और महिलाएं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह ये हमारी संस्कृति को संजोए रखे। धन्यवाद। मैं शोभा सादानी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। महेश्वरी महिला संगठन हरदम से ही अपने त्योहारों पर ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन कोलकाता में इस तरह का गणगौर का प्रोग्राम जो राजस्थान को भी हिला दे, ये मध्य कलकत्ता ही करके दिखाया है। बहुत सुंदर, बच्चों को इसमें प्रतिभाएं भी निकल के आती है और हमारी महिलाओं को मंच भी मिलता है और हमारी महिलाओं को उत्सव मनाने का एक अच्छा आयाम मिलता है। तो हम चाहते हैं, एक शुभकामना है सबके लिए कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को जोड़ के रखे, समाज को इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय मै। आज यहाँ गणगौर के प्रोग्राम में आके काफ़ी अच्छा लगा, लोगों का उत्साह देखते बनता है। जय महेश। मैं मयूर मलानी, मध्य कोलकाता महेश्वरी युवा संगठन के सांस्कृतिक मंत्री, और ये हमारा गणगौर प्रोग्राम जो है हर वर्ष होता है और इसमें केवल महिलाओं के लिए है। आज भी लगभग 2000 से ज़्यादा महिला हमारे यहाँ आई है, अपनी गणगौर माता को लेके आई है और हम उनकी खोल भरवाते हैं। ये प्रोग्राम हमारा हर साल होता है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप भी आए और अपने परिवार के संग जितनी भी हमारी भाई बहनें भाभी है उन सबको लेके आए और हमारे इस प्रोग्राम का आनंद ले। और ये प्रोग्राम हमारे YouTube लाइव भी चलता है। आपका धन्यवाद, आपने हमारे प्रोग्राम में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय महेश। मेरा नाम मयूर मालानी, सांस्कृतिक मंत्री हूँ, मध्य कोलकाता महेश्वरी युवा संगठन। जय महेश। मध्य कोलकाता महेश्वरी सभा महिला एवं युवा संगठन का आज का गणगौर का कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से आयोजित हो किया जा रहा है। माँ गणगौर और भगवान महेश की कृपा से बहुत सारी गणगौरें जो कि हमारे अभी तक हमारे पास में करीब करीब 300 गणगौर इस आ चुके हैं और अटेंड करने वालों की संख्या करीब करीब 1000 के आसपास पहुंच चुकी है, महिलाओं और लड़कियों की। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारा संगठन होली का कार्यक्रम में भी 2000 से ऊपर की गैदरिंग हुई थी। हम लोग इंडोर क्रिकेट का कार्यक्रम भी करते हैं, उसके अलावा हमारे पास सामाजिक सहयोग के कार्यक्रम भी रहते हैं, प्रारूप रहते हैं। उसमें कुछ कोई भी जगह पे कोई भी संस्था, कोई हॉस्पिटल, कोई इस तरह की कोई दानदाता की सेवा होती है तो वो भी हम लोग करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम देव मुंद्रा, कोलकाता महेश्वरी युवा संगठन का सेक्रेटरी हूँ मैं। जय महेश। वैसे विस्तृत जानकारी मेरे भाई सचिव देव ने आपको दी है और मेरी पूरी कार्यकारिणी टीम के साथ लगाव पूरा है और हमेशा मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा हूँ और एक से एक बढ़कर प्रोग्राम ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी कार्यकारिणी टीम को जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे इस सारे सामाजिक कार्यक्रमों की बागडोर को संभाले हुए हैं। जय महेश। कितने वर्षों से आप? आज जब से ये गणगौर का उत्सव हमारा लगभग आज 9वां, और आज गणगौर का उत्सव जो आज 9 सालों से हम लोग लगातार इसका आयोजन कर रहे हैं, एक छोटे से प्रारूप के हिसाब से इसको स्टार्ट किया था। आज इसकी भव्यता हमको देख कर लोग हमारे से अब इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पहले से एडवांस बुकिंग करवाने लगे हैं। इससे बड़ा और इसके प्रोग्राम के लिए मैं क्या बोलूं। मध्य कोलकाता महेश्वरी युवा संगठन प्रेसिडेंट। सभा महिला एवं युवा द्वारा हर साल आयोजित ये गणगौर का प्रोग्राम जो एक बहुत ही बड़े चरम सीमा से है और ये कलकत्ता पूरे में विख्यात है। और यहाँ पे ये जो भीड़ होती है जो गवर्जा के मेले की, जो पहले हम लोग महेश्वरी भवन में करवाते थे वहाँ पे ये जगह शॉर्ट पड़ने लगी, तो अभी एजेस में करवाने लगे। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जगह शॉर्ट पड़ रही है
और यहाँ ये जो मध्य कलकत्ता का दर्जे का प्रोग्राम है, इसका मतलब सब महिलाओं में एक अलग ही उत्साह है। ये प्रोग्राम केवल महिलाओं के लिए भी होता हो रहा है, इसके बावजूद आप यहाँ देख रहे हैं कुछ क्या भीड़ है और किस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और इसकी महिला क्या आनंद ले रही है वो आप देख ही रहे हैं। सुरेश कोठारी, पूर्वांचल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, न्यूज़ 1 पूर्वांचल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।